रनावत पेश रास्तों में मिले हुए बहुत ही विचित्र आदमी से जेको नाम है दीपक केलालाल केलालाल दीपक कलाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, ये वही महापुरुष है जिन्होंने केले के इंतजार के लिए 2 महीने रूम बुक किया हुआ था। अभी मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है। सुना है कि ये बनाना कच्चा है और इसे पकने में पूरे 1 महीने लगेंगे और इसीलिए मैंने ये कमरा पूरे 1 महीने के लिए बुक किया है। पता नहीं लौंडिया के लिए कितने महीने बुक करेंगे, 5, 10, 15। चलो वो छोड़ो, इन 2 महीनों में इन्होंने बहुत बड़ी बकचोदी की है। जब तक इनका किला पका नहीं, जब तक ये सूरों की तरह तरह डांस करते थे। ईमान दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान, मुझे तड़पाना तेरी यादों में भी, तू हाँ कैसे मैं जी, तू हाँ कैसी ये तलब लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई लग। पानी में स्विमिंग पूल में नहाती और रोमांस करते थे। वाह ये मतलब एक बहुत बड़ा बकचोद लौंडा है एक प्रकार से, और ये बकचोद आदमी का डांस, आदमी का डांस, औरत का डांस, औरत पता नहीं किसका डांस, तो छोड़ो इसका डांस देख के तो आज आपके टट्टे टट्टे हिल जाएंगे, पूरे टट्टे हिल जाएंगे। इसका डांस, इसका डांस जो कोई आदमी भी देख लेगा ना उसको नाचने का मन करने लगेगा, जैसे मेरे को करने लगा। आप लोग भी सारे इसका डांस देख के नाचेंगे, डांस देख के तो माइकल जैक्सन, प्रभु देवा और मेरा डांस भी फैल है। दिल बड़ा बेईमान आता है, मुझे लगता है कि माइकल जैक्सन की आत्मा भी इसके अंदर घुस गई होगी। और इस बकचोद आदमी के हाँ जो भी हो उसके सिर में तो बाल नहीं है, लेकिन ये दिल किस करार में तो समझ में नहीं आ रहा। शायद आपको समझ में जाए, आप इसकी वीडियो देखिए और बताइए दिल किस को रहा है। वाह, इस गांडू की आवाज सुनकर तो लग रहा है इसके मुंह में किसी ने डंडा घुसेड़ दिया होगा, जब इसके मुंह से आवाज निकल रही है। और इस गांडू की बकचोदी तो यहीं खत्म नहीं होती, इसने तो 26 जनवरी को तक के नहीं छोड़ा। आज 26 जनवरी है और इसीलिए ये मन्नू और मैंने ऐसे सोचा कि ये वीडियो हम डेडिकेट करेंगे हमारे आज़ादी के लिए। बहुत बड़े बड़े लोग लड़े हैं, शहीद भगत सिंह ने वहाँ पर जालियांवाला बाग में, कौन सा वाला बाग, जालियांवाला बाग में, ये बहनचोद ऐसे है कि जलियांवाले बाग को जालियांवाला बाग बना दिया, कल बनियांवाला बाग बना देगा, तीसरे दिन चड्डीवाला बाग बना देगा, जो कि चंडीगढ़ में है। उधर उन्होंने शहीद भगत सिंह ने, गांधी जी जो थे वो भी हमारे आजादी के लिए बहुत लड़े, अमेरिकन लोगों ने हमारे मुल्क के ऊपर 1000 साल राज किया, आज हम लोगों ने उनको भगा दिया। मतलब इस तरह के आदमी पैदा कहाँ पे होते हैं बे, घास उस समय दूर होता तो दिल को भी भगा दिया जाता बे। और हम 26 जनवरी को आजाद हो गए। क्या, कब आजाद हुआ है? 26 जनवरी को आजाद हो गए। अबे इस बकलोल आदमी को तो ये भी नहीं मालूम कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ ना कि 26 जनवरी को। अबे कोई तो बता। फैंस, ये जो 26 जनवरी जो है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये आजादी का दिन है और जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये आजादी के लिए अपना प्राण दे दिया है, अपना ये जो तन बदन है उसको अर्पण किया है अपने भारत के लिए। किसको अर्पण किया है?
ये जो तन बदन है उसको सार वाला तो ऐसा बैठा हुआ जैसे इसके गाल में टट्टी अटक गई और तुझे जबरदस्ती इसको बैठा लिया। अबे इसको बजाना टट्टी के लिए। तो वो सबको मैं तहे दिल से सलाम करना चाहता हूँ। मनु मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ कहो। मेरे तीसरे जुड़वा भाई ने बताया कि हमें सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं बल्कि चीन, तुर्की और अफगानिस्तान उन सब ने भी राज किया था पूरे 2500 साल। इसीलिए ये तिरंगा पहना है। तिरंगा? अबे गांडू अंधे, तूने तिरंगा देखा नहीं क्या कभी? ये तेरे को तिरंगा दिख रहा है? ये तिरंगा पहना है। जैसे कि हर गोल चीज रोटी नहीं होती, हर कंचे गोली नहीं होती, हर लौंडिया गोली नहीं होती, वैसे ही हर तीन रंग का दिखने वाला चीज तिरंगा नहीं होता बे। और फैंस हम बहुत भावुक हो रहे हैं आज। सलाम फैंस, मैं चाहता हूँ कि अगर शहीद भगत सिंह ने हमारे देश के लिए तो तुम सब भी आत्महत्या करो फैंस। तुम सब आत्महत्या करो। लव यू फैंस, दीपक फ्रॉम चंडीगढ़। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता, ये अच्छा तो भैंस मौ कर लेती है। बाय किलालाल। दोस्तों मुझे भी बाय कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। हाय बड्डे, करो ना चैनल सब्सक्राइब जी, कर देना। हाँ, अब जो घंटा बजा दो जब हमारी वीडियो तुम्हारे पास आते रहे। हाँ जब मैं तुम घंटा मिस नहीं करूँ हमारी वीडियो।